अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी मोस्ट फेवरेट रेसिपी, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी। ये चिकन बंस की रेसिपी है। इतनी बेकरी स्टाइल जैसे बंस होते हैं, एग्जैक्ट वैसे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। याद से आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। तो इसके इंग्रीडियंट्स मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। तो इसमें हमने 2 कप मैदा लिया हुआ है। ये रेसिपी बिल्कुल घर के सिंपल इंग्रेडिएंट से बनती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ईस्ट की ज़रूरत है, जो कि एक बेकरी आइटम्स में यूज़ होती है, जो कि बेकरी वगैरह शॉप में इजीली आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। बहुत 20-50 का ही पैकेट आता है। उसके बाद हमने इसमें 1 टीस्पून मिल्क पाउडर, जो होता है हमारा डेरी वाला वाइट डेरी पाउडर, वो डाला था। इसमें 1.5 टीस्पून हमने इंस्टेंट एक्टिव ईस्ट डाली थी और इसमें 1 टीस्पून हमने शुगर डाली थी। शुगर डालने की वजह से जो हमारा ईस्ट होता है वो एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से जो हमारा डो होता है वो अच्छी तरीके से फ्लफ़ी और जैसा बेकरी में जैसा डो होता है, जैसे बेकरी बंस पाव होते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके का टेस्ट टेक्सचर आपको इसमें मिलेगा। मैं आपको टैग कर दूंगी जो हमने एक्टिव ईस्ट यूज़ की है इसमें, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी उसकी लिंक, आप अमेज़ोन से परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल लिया था। आप कोई भी सनफ्लावर ऑयल वगैरह यूज़ कीजिए। इसमें हमने एक एग डाला था, अच्छे से उसे फेंट लेंगे और धीरे धीरे करके हम एग डालेंगे और जो ये डो होता है उसे हम एकदम स्टिकी जैसा होता है ना, उस तरीके से अच्छे से इसे गूंद लेंगे। ये रेसिपी आप ज़रूर रमज़ान में ट्राई कीजिए, आपके घर के सभी बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आएंगी। आप बाहर से लाना बंद कर देंगे, इतनी टेस्टी होती है ये रेसिपी भी। वैसे भी मुझे बेकिंग करना बहुत पसंद है, कुकिंग में मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है बेकिंग करना। इंशाल्लाह आपको ईस्ट के मैं और सारे रेसिपी बताऊंगी, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह, घर में लादी पाव वगैरह कैसे बनाते हैं, कुकीज़ वगैरह, केक वगैरह, सबकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। रमज़ान की अच्छी अच्छी इफ्तार रेसिपी शेयर करूंगी। अब इसमें हम हल्का गुनगुना पानी लेंगे, 1/2 कप लिया था हमने इसमें, 1-2 कप। इसमें सब कुछ मेजरमेंट के हिसाब से हमें डालना है, कोई भी चीज़ हम इसमें अपने अंदाज़े नहीं डालेंगे, वरना हमारा जो डो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं बनेगा और ना ही वो फूलेगा। इसे अच्छी तरीके से नीट होने के बाद हम इसे करीब 1 घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। इसके ऊपर आप चाहे तो हल्का सा ऑयल वगैरह ग्रीस कर लेना और उस पर कपड़ा एक हमारा जो कॉटन का होता है वो लगा के हम इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम अपने चिकन की फिलिंग बनाएंगे, जिसके लिए हमने 50 ग्राम ऑयल लिया हुआ है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। हम चीज़ी फीलिंग बना रहे हैं चिकन की, आप चाहे तो इसकी जगह कोई भी अपनी मनपसंद फीलिंग्स भी बना सकते हैं, वेज नॉन वेज मटन की। हमने इसमें चिकन की फीलिंग डाली हुई थी। तो ज़ीरा डालने के बाद हमने इसमें अनियन चॉप करके डाला था, एकदम स्मॉल साइज़ का अनियन लेंगे हम 2 और वो चॉप करके इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से हम हल्का सा ब्राउनिश कलर जब तक हो जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे हमारे अनियन, तब तक इसे कुक कर लेंगे। आप सभी के इफ्तार और रोज़े किस तरीके से जा रहे हैं आप हमें ज़रूर बताइए, आपकी रूटीन क्या है। इंशाल्लाह हम आपको जल्दी अपनी डेली रूटीन वगैरह भी बताएंगे, उसके व्लॉग्स भी बनाएंगे। इसके बाद हमने इसमें 500 ग्राम जो हमारा बोनलेस चिकन होता है उसे हम एकदम छोटे छोटे क्यूब्स वगैरह में कट कर लेंगे। आप चाहो तो घर में भी कर सकते हैं, इसे क्यूब्स में कट करके उसके बाद हम इसमें डाल देंगे और इसे हमने एकदम जब तक ये हमारा चिकन है वो वाइट नहीं हो जाता तब तक इसको हम फ्राई कर लेंगे, स्टर फ्राई टाइप इसको कर लेंगे। ये रेसिपी बनाने में बहुत ईजी है, सिर्फ आपको ईस्ट की ज़रूरत है, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में अवेलेबल होते हैं और ईस्ट का पैकेट आपको जो बेकरी वगैरह जैसे आइटम्स जहाँ पे मिलते हैं उस शॉप में आपको ईजीली अवेलेबल मिल जाएगा, 50 या 60 रुपये में आ जाता है। 5 मिनट के बाद हमने इसे ढक के पकाया था। उसके बाद हम इसमें अपने जो बाकी के मसाले होते हैं, जैसे हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, तीनों भी पेस्ट बना के इसमें डाल दिया था। आप चाहे तो इंडिविजुअली भी अलग अलग डाल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आपको कितना तीखा या कम तीखा चाहिए। हमारे सारे व्लॉग्स वगैरह आप अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर कीजिए, सब लोग मिलके देखिए और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके बाद हमने इसमें हमारे मसाले डाले थे, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और इसमें चाट मसाला डाला था, ज़ीरा पाउडर डाला था और हमने गरम मसाला डाला था। सब हम लेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, सारे मसाले हमने 1/2 टीस्पून लिए थे क्योंकि हम चीज़ टाइप चीज़ ही बना रहे हैं एकदम चिकन, तो इसमें हम मसाले की क्वांटिटी कम ही रखेंगे। और इसमें ऑलरेडी हमने हरी मिर्च का पेस्ट डाला था,
अब इसमें हम हल्का सा थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए और इसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं आनी चाहिए। इसे ढक के हम 5 से 10 मिनट तक पका लेंगे क्योंकि चिकन बहुत जल्दी वैसे भी कुक हो जाता है। तो इसे 10 मिनट के बाद हम इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे, जो हमारा डार्क सोया सॉस होता है वो हमें 1 टीस्पून डालेंगे। टमाटो केचप हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे। रेड चिली सॉस 1 टीस्पून डालेंगे। अगर आप चाहे तो इस टाइम पे आप चीज़ की स्लाइस या क्यूब्स वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने वो सब नहीं डाला था। हमने इसमें चीज़ सॉस डाली थी जो हमारे पास रेडीमेड पैकेट मिलता है उसकी चीज़ सॉस, और हमने इसमें अमूल फ्रेश क्रीम जो होती है वो भी डाली थी ताकि इसका जो टेक्सचर है इसका टेस्ट वगैरह जो है वो अच्छे से बैलेंस हो जाए और एकदम क्रीमी टेक्सचर आ जाए। इसके बाद हमने क्रीम वगैरह डाले थे तो कलर टोटली चेंज हो गया था, ये एकदम पिंकिश टाइप में हो गया था। और अगर आप चाहे तो इस टाइम पे बॉइल्ड पास्ता जो हमारा होता है वो भी डाल सकते हैं, तो हमारा पिंक सॉस चिकन पास्ता भी इसमें ही बन जाएगा। सिमिलर रेसिपी है दोनों की, आप चाहो तो पास्ता भी यही सेम तरीके से बना सकते हैं। अब इसमें हम अपना हरा धनिया जो होता है उसे गार्निश करेंगे और हमारा माशाल्लाह जो चिकन फिलिंग है अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब इसे हम साइड में रख देंगे कूल डाउन होने के लिए। करीब 1 घंटे के बाद हमारा माशाल्लाह से डो बहुत अच्छी तरीके से फूल चुका था। अगर आपका डो फूला नहीं होगा तो आप ये रेसिपी बिल्कुल भी कंटिन्यू मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स हमारा यही डो है जो हमारा पाव का टेक्सचर वगैरह जिसके आने वाला है। तो इसे अच्छी तरीके से हम हथेली से थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे ताकि इसमें जो एयर वगैरह एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। हमें इसे सिर्फ 5 मिनट तक के ही करना है, हथेली से अच्छे से प्रेस करना है। इंशाल्लाह जल्दी मैं आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी डिज़र्ट्स रेसिपी वगैरह भी शेयर करूँगी। और आपको जो भी रेसिपी चाहिए आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइए। अभी हम सेम इसे अच्छे से नीट करने के बाद इसकी हम इक्वल साइज़ के बॉल्स बना लेंगे। जितने हमने क्वांटिटी ली है इसमें टोटल 6 बॉल्स बन जाएंगे, मतलब आपके 6 बंस बनेंगे इसमें। तो आप अपनी क्वांटिटी मेजरमेंट्स का ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मेन मेजरमेंट वगैरह ही है। तो इसे अच्छी तरीके से हम इक्वली डो बना लेंगे बॉल्स छोटे छोटे, ताकि हम इजीली सारे बॉल्स हमारे इक्वल साइज़ के बन जाएँ। और बेकिंग एक ऐसी कुकिंग टाइप है जो करने में इतना मज़ा आता है, लाइक क्ले की तरह। इंशाल्लाह आपके साथ मैं फोंडेंट वाले केक वगैरह भी शेयर करूँगी। जल्द से जल्द आप 1K कीजिए। सारे डो को हम अच्छी तरीके से नीट हम उसे गोल शेप बना लेंगे ताकि उसमें कोई क्रैक्स वगैरह ना रहे। और एक एक करके हम सारे डो को जो हल्का सा बेल लेंगे और उसके अंदर हम अपनी जो फीलिंग चिकन की हुई है ये बिल्कुल भी हमें हॉट नहीं डालना है। इसे अच्छी तरीके से कूल डाउन होने के बाद ये फीलिंग हम इसमें डालेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमारा मोज़रेला चीज़ होता है वो डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें क्यूब वाला चीज़ जो अमूल का होता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मोस्टली मेरे फैमिली में सबको मोज़रेला चीज़ पसंद है इसलिए हमने वही डाला हुआ था। तो आप भी वही डालिए। इसमें हल्का सा सॉल्ट भी होता है तो आप अपना सॉल्ट का बैलेंस जो है वो इक्वल रखिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो जैसे कि हमने इसमें बेकिंग जो हमारा टिन होता है उसमें 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया था, तो हमारे बंस और ज़्यादा फूल चुके हैं। इसके बाद हमने इसमें जो एग योक होता है हमारा, जो अंडे की जिसे हम कहते हैं शायद पीली जर्दी होती है, उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला हुआ था और उसे अच्छी तरीके से ब्रश कर लेंगे हम अपने बंस पे, ताकि एकदम बेकरी स्टाइल जैसे बंस होते हैं गोल्डन ब्राउनिश कलर के, सेम उसी कलर के हमारे बंस बनेंगे। अगर आप चाहे तो इसे ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन हमने आप सभी के लिए हमने इसे गैस पे बनाया था, जो हमारे पतीला होता है उसमें बनाया था, ताकि आपको इजीली हमारा सारा प्रोसेस समझ में आ जाए। तो हमने प्री हीट पे मतलब रख दिया था इसे 10 मिनट के लिए। हमने जो हमारा पतीला है उसे झाँक कर धीमी आँच पर हम रख देंगे। उसके बाद हमने इसे करीब धीमी आँच पर 25 से 30 मिनट तक इसे अच्छे तरीके से बेक किया था। माशाल्लाह से हमारे बन बहुत अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हमने इसे इसके बाद 10 मिनट और ओवन में भी बेक करने के लिए रखा था ताकि इसे और ज़्यादा अच्छा कलर आए। अगर आप ओवन में बेक करेंगे तो इसे 200 डिग्री सेल्सियस पर 25 मिनट तक इसे बेक कीजिएगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।